हेलो एवरीवन आई एम प्रदीप यादव फ्रॉम एकेडमी देहरादून सो गाइस आज हम स्टार्ट करेंगे एंटोमोलॉजी का लेक्चर नंबर सेकंड और आज का हमारा टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ग्रास ऑपर सर्कुलेटरी सिस्टम बेसिकली दो टाइप के होते हैं एक तो होता है ओपन टाइप और दूसरा होता है क्लोज टाइप क्लोज टाइप जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो होता है लार्ज एनिमल्स में जो इंसेक्ट्स हैं उनकी बॉडी में होता है ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम सो so, अगर आपको याद हो तो मैंने पिछले लेक्चर में एक छोटा सा ओवरव्यू दिया था सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में कि क्लोज सिस्टम क्या होता है और ओपन सिस्टम क्या होता है क्लोज का मतलब है कि जितने भी लार्ज एनिमल्स हैं जब उनकी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होता है तो वो सर्कुलेशन होगा एक क्लोज ब्लड वेसल के अंदर जिसको हम लोग बोलते हैं आर्टरीज एंड वीन्स जो इंसेक्ट है उसकी बॉडी में ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम जो ब्लड फ्लो है वो डायरेक्टली होगा एक बॉडी कैविटी के अंदर जिसको हम लोग बोलते हैं हिमोसिल ओपन टाइप का मतलब है कि जब इन्से की बॉडी में जब ब्लड फ्लो कर रहा है तो उसमें कोई भी क्लोज वेसल नहीं है पूरा ब्लड एक ओपन एक होलो बॉडी के अंदर मूव कर रहा है और उस बॉडी में जितने भी टिश्यूज हैं जितने भी है वो डायरेक्टली उस ब्लड के कॉन्टेक्ट में रहते हैं उनके बीच में कोई चैम्बर नहीं होता उनके बीच में कोई वॉल प्रेजेंट नहीं होती डायरेक्टली उनका कॉन्टेक्ट ब्लड से होता है तो इसलिए इंसेक्ट का जो तो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो होगा ओपन टाइप और जो लार्ज एनिमल्स है उनका होगा क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम सामने डायग्राम दिया हुआ है ग्रास ओपर का आपको क्लियरली दिख रहा है कि जो सबसे ऊपर जो रेड कलर की ट्यूब है सबसे ऊपर प्रेजेंट है सर्कुलेटर सिस्टम, और उसके नीचे जितना भी एरिया है वो एक बॉडी कैविटी है, जिसको बोलते है seal, और उसमें पूरा जो ब्लड है वो कलरलेस होता है और उसमें कोई भी पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होते है ए हर्ट लाइक स्ट्रक्चर विच कंसिस्ट ऑफ

ये जो पीछे आपको दिखाई दे रहे हैं चैम्बर्स जिसमें बने हुए हैं ये होता है हर्ट तो यहां से लेके और ये पूरा ये है इंसेट का हर्ट हर्ट बेसिकली क्या होता है हर्ट टोटल तो इसका एट चैंबर हर्ट है एट चैम्बर्ड हर्ट होता है ग्रास ऊपर का जिसमें प्रेजेंट होगा सेकंड एबडोमिनल सेगमेंट से लेकर नाइन्थ एब्डोमिनल सेगमेंट तक तो हर्ट इज एन एट चैम्बर्स सिस्टम विच इज प्रेजेंट फ्रॉम सेकेंड एबडोमल सेगमेंट टू नाइन्थ एबडोम सेगमेंट ऑफ ग्रास ओपर ऑल्टा इज प्रेजेंट ऑन थोरेक्स एंड इट इज प्रेजेंट ऑन मीजो एंड थोरेक्स के बेसिकली तीन पार्ट होते हैं प्रोथोरेक्स, मीजो और मेटाथोरेक्स बट जो ऑल्टा है वो प्रेजेंट होगा मीजो और मेटाथोरेक्स के ऊपर जो फर्स्ट सेगमेंट है एबडोम सेगमेंट का जो फर्स्ट सेगमेंट है उसमें प्रेजेंट होता है, है एम्प्यूला ये जो इसमें स्मॉल ओपनिंग्स आपको दिखाई दे रही है ये वाली जो स्मॉल ओपनिंग्स है इसको हम लोग बोलते हैं ऑस्टिया यह है ऑस्टिया ऑस्टिया आर स्मॉल ओपनिंग्स स्मॉल ओपनिंग्स जो इंसेक्ट की बॉडी है जिसको हम लोग बोलते हैं हिमोसिल उस बॉडी में जितना भी ब्लड है वो सारा ब्लड इस ऑस्टिया के थ्रू इन स्मॉल ओपनिंग से इसके हर्ट में एंटर करता है सो ऑस्टिया इज बेसिकली वन वे फ्लो वन वे फ्लो वन वे फ्लो का मतलब होता है कि यहां से सिर्फ ब्लड एंटर करेगा यहां से ब्लड बाहर नहीं आएगा एक बार जब इंसर्ट के हर्ट में जब ब्लड एंटर करता है तो ये ओपनिंग्स बाद में क्लोज हो जाएंगी और फिर वो जो ब्लड है सर्कुलेट करता हुआ इस ऑर्टा से यहां से आएगा बाहर तो ये है ब्लड का आउटलेट ये है ब्लड का आउटलेट आउटलेट किसका ब्लड का ब्लड को हम लोग बोलते हैं हीमोसिल हीमोलिम्फ सॉरी हीमोलिम्फ ब्लड को हम लोग बोलते हैं हीमोलिम्फ ये जो इंसेट का पूरा सिस्टम है ऑल्टा और हल्ट इस पूरे सिस्टम को ऑल्टा से लेके और हल्ट तक हम लोग इसको बोलते हैं डोरसल ब्लड वेसल ये है ब्लड वैसल इज बेसिकली मेड अप ऑफ मायोकार्डियल सेल माओकार्डियल सेल एंड इट इज मस्क्युलर इन नेचर ये मस्क्यूलर होता है इंसेक्ट का सर्कुलर सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो मस्कुलर है एंड इट इज मेड मायोकार्डियल सेल हार्ट के जस्ट नीचे एक लेयर होती है एक लेयर है जिसको हम लोग बोलते हैं डोरसल डायफ्राम तो जैसा कि मैंने बताया लास्ट लेक्चर में सबसे पहले प्रेजेंट होगा हार्ट उसके बाद होगा डाइजेस्टिव सिस्टम और सबसे नीचे प्रेजेंट होता है इंसेक्ट का नर्वस सिस्टम तो मान लेते हैं ये इसका नर्वस सिस्टम है ये गैंगलिया है गैंग्लिया कनेक्टेड विद दिस टिश्यूज इसको हम लोग बोलते हैं नर्व कॉर्ड ये गैंग्लिया है और ये इसका है पूरा नर्वस सिस्टम इस नर्वस सिस्टम के जस्ट ऊपर एक और लेयर होती है एंड दिस लेयर इज नोन एज द वेंट्रल वेंट्रल डायफ्राम वेंट्रल डायफ्राम अब ये जो स्पेस है ऊपर इंसेट की पूरी बॉडी है ऊपर ही पूरे बॉडी का लेयर आ जाएगा ये जो स्पेस है जिसके अंदर हर्ट प्रेजेंट है यहां की बॉडी से लेके और ये डायफ्राम तक इस स्पेस को हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियल साइनस पेरिकार्डियल साइनस बेसिकली ये स्पेस जिसके अंदर हर्ट प्रेजेंट होता है और ये जो नीचे वाला स्पेस है यहां से लेके और यहां तक इसको हम लोग बोलेंगे पेरी न्यूरल साइनस जिसके अंदर नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होगा पेरी न्यूरल साइनस इज ऑल्सो नोन एज वेंट्रल साइनस 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 एंड पेरिकार्डियल इज आल्सो नोन एज डोर्सल तो ये एक छोटा सा इसका फंक्शनिंग है इंसेक्ट हट के बारे में एक एट चैम्बर हर्ट सिस्टम है जिसमें आगे वाली ट्यूब होल थी ऑल्टा हर्ट में टोटल एट चैम्बर्स हैं स्मॉल ओपनिंग्स हैं स्मॉल ओपनिंग्स आर नोन एज ऑस्टिया जो एक वन वे फ्लो है यहां से ब्लड इसकी बॉडी में एंटर करता है और ऑल्टा से ब्लड होता है बाहर ये जो पूरा होलो सिस्टम है ये होता है इसका बॉडी कैविटी जिसको हम लोग बोलते हैं हीमोसिल इसमें पूरा ब्लड फ्लो करता है जितने भी टिश्यूज जितने भी ऑर्गन प्रेजेंट होंगे वो सब डायरेक्टली ब्लड के कॉन्टेक्ट में आते हैं सो दिस इज ऑल अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ इंसेक्ट उसके बाद है हिमोलिम्फ और इसके कुछ फंक्शन हिमोलिम्फ इज अ वॉटरी फ्लूड विच कंटेन्स आय मोलिक्यूल्स एंड सेल्स और हिमोलिम्फ जैसा कि मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में रेस्पिरेशन के लेक्चर के अंदर कि हिमोलिम्फ जो है जो इंसेक्ट का ब्लड है वो रेस्पिरेशन में हेल्प नहीं करता इट डज नॉट इन्वॉल्व ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस हिमोलिम्फ कंसिस्ट ऑफ ए फ्लूड पोर्शन विच कॉल्ड प्लाज्मा एंड सेलुलर कॉल्ड फ्रेक्शन इंसेक्ट्स के हिमोलिम्फ में दो चीजें प्रेजेंट होती है ब्लड में दो चीजें प्रेजेंट होती है एक तो होता है प्लाज्मा दूसरा होता है ब्लड सेल्स ब्लड सेल्स आर नोन एज द दिमोसाइड्स अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो आएंगे यहां से प्लाज्मा से और ब्लड सेल से प्लाज्मा में सबसे पहले प्लाज्मा क्या होता है प्लाज्मा में कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होती हैं उसमें कौन सा शुगर प्रेजेंट होता है ब्लड सेल्स हैं जो से कितने टाइप के होते हैं उनके फंक्शंस क्या होते हैं तो व्हाट इज प्लाज्मा प्लाज्मा इज एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ इनऑर्गेनिक आय लिपिड्स शुगर्स अमाइनो एसिड्स प्रोटीन ऑर्गेनिक एसिड्स एंड सम अदर कंपाउंड्स यहाँ पे प्लाज्मा का पीएच दिया हुआ है डेंसिटी दी हुई है वाटर का कंटेंट दिया हुआ है कुछ जगह वाटर कंटेंट में डिफरेंस मिलेगा कहीं आपको मिलेगा 80 से 90 कहीं मिलेगा 84 से 94 94 कहीं आपको मिलेगा 85 परसेंट तो इस रेंज के अंदर जो है उसकी बॉडी में प्लाज्मा में जो वाटर प्रेजेंट होता है 84 से 92 टू परसेंट इनऑर्गेनिक आय प्रर सोडियम इन प्रीडेटर्स एंड पैरासाइट्स अगर इंसेक्ट प्रीडेटर है या फिर अगर वो पैरासाइट है तो उसकी बॉडी में प्रेजेंट होगा सोडियम और अगर वो इंसेक्ट फाइटोफेगस है

और जो इन सरकार नाइट्रोजनस वेस्ट है ग्रास ओपर का वो होता है यूरिक एसिड के फॉर्म के अंदर क्लियर यहां तक क्लियर है ये है पूरा प्लाज्मा के बारे में दूसरा हमने बात की ब्लड सेल्स तो ब्लड सेल्स आर आल्सो नोन एज हीमोसाइट्स और इसके टोटल पांच टाइप होते हैं जिसको दिया हुआ है प्रो हिमोसाइट प्लाज्मेटोसाइट ग्रेनुलर कोएग्लोसाइट और उसके बाद है एडिपो हीमोसाइट द सेकंड वाला पॉइंट है प्लाज्माटोसाइट प्लाज्मेटोसाइट इज आल्सो नोन एज द फेगोसाइटिक सेल

ये उसमें फैट्स को स्टोर करने काम करता है नाउ सम अदर फंक्शन ऑफ हिमोलिम्फ इट हेल्प एज लुब्रिकेंट हाइड्रोलिक मीडियम ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज प्रोटेक्शन हीट ट्रांसफर एंड द ऑस्मोटिक प्रेशर लुब्रिकेंट लुब्रिकेंट का मतलब क्या होता है स्मूथ फंक्शनिंग देखो हिमोलिम्फ है ब्लड है एक तरह का लिक्विड है फ्लूड है तो वो इंसेक्ट्स में लुब्रिकेशन काम करता है लुब्रिकेशन मतलब क्या होता है कि इंसेक्स की बॉडी में स्मूथ फंक्शनिंग के लिए काम करता है ब्लड तो इन्सेक्ट्स के जितने भी फंक्शन है वो स्मूथली काम करें तो इसको हमने नाम दिया लुब्रिकेशन के लिए हाइड्रोलिक मीडियम ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है हाइड्रोलिक मीडियम जनरली चार अलग अलग प्रोसेस में काम करता है आप इनको नोट कर सकते हैं हाइड्रोलिक मीडियम जो प्रेशर इंसेक्ट की बॉडी में क्रिएट हो रहा है ब्लड की वजह से तो उस प्रेशर की वजह से इट हेल्प्स इन मेंटेन द शेप ऑफ सॉफ्ट बॉडी इन इंसेक्ट सबसे पहला फंक्शन है कि वो इंसेक्ट्स की बॉडी में शेप को मेंटेन करने काम करता है दूसरा इट आल्सो हेल्प्स इन मोल्टिंग और एक्डाइसिस मोल्टिंग बोल सकते हैं या फिर एक्डाइसिस बोल सकते हैं एक्डाइसिस का मतलब होता है शेडिंग ऑफ ऑफ एन आउटर लेयर स्किन इन रेप्टाइल्स एंड इंसेक्ट जब इंसेक्ट अपनी बाहर की जो स्किन है उसको छोड़ के जब उसको शेड कर देता है तो उस प्रोसेस को हम लोग मतलब बोलते हैं एक्डाइसिस या इट आल्सो हेल्प्स इन मोल्टिंग प्रोसेस तीसरा इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है विंग एक्सपेंशन विंग एक्सपेंशन फॉर न्यूली हैच इंसेक्ट जब इंसेक्ट में पहली बार विंग की फॉर्मेशन होती है और जब उसके विंग्स पहली बार एक्सपेंड होते हैं तो उस विंग्स को एक्सपेंड करने के लिए एक फोर्स लगता है ठीक है थीके? उस प्रेशर की वजह से क्या होगा इंसेक्ट इजिली अपनी बॉडी के विंग्स को एक्सपेंड कर सकते हैं तो इट ऑल्सो हेल्प इन एक्सपेंशन ऑफ विंग्स और, और चौथा इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है एक्लोइन 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 का मतलब क्या होता है तो इस हाइड्रोलिक मीडियम के चार अलग अलग पार्ट है ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज इंसेक्ट्स का जो ब्लड है वो गैसेस को ट्रांसपोर्ट नहीं करता बट दे हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड अदर वेस्ट मटेरियल्स फैट को स्टोर करता है और बाकी अलग अलग चीजों को भी ट्रांसफर करने काम करता है उसके बाद इट हेल्प इन प्रोटेक्शन उसके बाद हीट ट्रांसफर और सबसे लास्ट में मेंटेन प्रेशर सो दिस इज ऑल अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ इंसेक्ट अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो इसको शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए हम मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में टेक केयर एंड हैव ए गुड डे